कन्नौज पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीनदयाल सिंह के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे माफिया अभियान के तहत आज नगर पंचायत की टीम के साथ जाकर शासकीय भूमि पर किए अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है। मुकेश पिता गट्टू उर्फ राम निवासी के द्वारा सतवास रोड कन्नौज पर शासकीय भूमि पर 1600 वर्ग फीट में अवैध अतिक्रमण कर ढाबा का संचालन किया जा रहा था तथा ढाबे पर अवैध रूप से शराब बेचकर क्षेत्र का माहौल लगातार खराब किया जा रहा था। साथ ही मुकेश, उसके भाई राकेश, संदीप और मुकेश के पिता गट्टू पर थाना कन्नौज में मारपीट, चोरी, अवैध शराब विक्रय तथा आर्म्स एक्ट के कई प्रकरण पंजीबद्ध हैं। ये लोग तहसीलदार की नोटिस के उपरांत भी अवैध अतिक्रमण भूमि को दादागिरी से खाली नहीं कर प्रशासन को चुनौती दे रहे थे, जिसे आज माफिया अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ज्योति उमट के नेतृत्व में टीम बनाकर तहसीलदार और नगर पंचायत की टीम के साथ जाकर शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह द्वारा बताया गया कि माफिया अभियान के तहत ये कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। कन्नौज में सतवास रोड पर तहसीलदार महोदय का एक प्रतिवेदन आया था कि मुकेश पिता गट्टू के द्वारा शासकीय भूमि पर जो 1600 वर्ग फीट है उस पर अतिक्रमण का ढाबा चलाया गया है। इसकी तस्दीक कराई तो ये अवैध दारू भी बेचता था और इसके भाई राकेश, संदीप और इसके पिता गट्टू के खिलाफ कन्नौज थाने में कई चोरी के, मारपीट के और आम सीट के प्रकरण भी पंजीबद्ध है। तो तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर आज थाना प्रभारी कन्नौज, खातेगांव, सतवास, नेमावर और एसडीओपी ज्योति उमट और तहसीलदार नागेश्वर पनिका की टीम के द्वारा जाकर मुकेश के द्वारा जो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था उसको ढहा दिया गया और इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल के मार्गदर्शन में माफिया अभियान के तहत यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।